Hi, Butu. ये वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि सी का एग्जाम क्रैक करना वो भी पहले अटेम्प्ट में मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे ड्रीम है और होना भी चाहिए इसमें कोई शक नहीं है लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जो अभी इस प्लेटफॉर्म पे है और उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है वो फेस करी है कि मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा जो पेपर है वो अच्छा नहीं रहा राइट सो देर सो मेनी रीजन शायद अगर वो आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे तो आप ये अटेम्प्ट में उस गलती को रिपीट नहीं कर रहे हो लेकिन

यूजी एंट्रेंस लेवल पे सेकेंड लार्जेस्ट एग्जामिनेशन है बट यू ठीक इस है, है, है।, तो है।, है, है इसमें भी वो नंबर और शॉर्ट हो जाता है वो अप्रोक्सीमेटली एक से दो लाख आपका हो जाता है जिसमें आपकी डी यू की बी एच यू की जेएनयू की जेएमआई की ए यू की या फिर आ, Uh, क्या कहते हैं आपकी जो स्टेट की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है केवल उनकी मैं बात करी हूं, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन मैक्सिमम बच्चों का फोकस इन्हीं टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन रहने का होता है राइट सो टारगेटेड सीट वो एक से दो लाख ही होती है लेकिन ऑल सीट तीन से चार लाख होती है अब इस उन्नीस लाख में से भी उन्नीस लाख आपके बच्चे अप्लाई नहीं करते कुछ परसेंटेज आपके पेपर देते वक्त कम हो जाते हैं मतलब अगर उन्नीस लाख रजिस्ट्रेशन है तो आप मान सकते हो कि चौदह से पंद्रह लाख बच्चे होंगे जो पेपर दे रहे होंगे तो मतलब रफली बट स्टिल द नंबर इज वेरी बिग जो जो आपको आपको फिल्टर आउट करना है कंपटीशन से बाहर करना है तब जाके आप अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच रहे राइट सो so, ये स्टैटिस्टिक्स एक तो आपको दिमाग में रखनी है और दूसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये बात है कि मैं दो के बच्चों अगर बात करूं तो पेपर देने वाले बच्चों में से केवल दो लाख बच्चे ही थे जिनको आपका जो है रफली uh, आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है ना उनमें एडमिशन मिला ठीक है अब अगर मैं पर्टिकुलरली डेली यूनिवर्सिटी की बात करूं क्योंकि डी बहुत सारे बच्चों का मैक्सिम बच्चों का टारगेट है तो साठ हजार, हजार सीटें सीटे फिल हुई थी दस सीटें खाली बची थी क्योंकि कुछ कॉलेजेस और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि बच्चे एडमिशन नहीं लेना पसंद करते कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बाहर हो जाते हैं तो बट रफली दैट वाज द रेशियो मतलब कि छह लाख में से साठ हजार बच्चों को

या, चुका है, या फिर जेएमआई का है तो चालीस में से एक ही बच्चा है जिसको टॉप कॉलेज ये तो ड्रॉप नहीं करने वाला बिल्कुल भी हो सकता है ये वाला फिर भी कर दे ये वाला फिर भी कर दे बट ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला तो आपको चालीस में से एक बच्चे में आना है तो मतलब समझ लो चालीस बच्चे पढ़ रहे हैं किस तरीके से पढ़ रहे हैं क्या सभी सिलेबस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सबके पास है लेकिन कौन किस तरीके से पढ़ रहा है कौन कितना रिफाइंड रिवीजन कर रहा है कौन कितना अच्छे सवालों का प्रैक्टिस कर रहा है कौन कितना अपना मॉक टेस्ट पे फोकस कर रहा है कौन अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम कर रहा है कौन इस तरीके से फोकस कर रहा है कि यार सी यू टी ओरियंटेड वे में पढ़ाई करनी है यार जो भी एग्जाम है वो हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं लेकिन मुझे सी यू बार करना है क्योंकि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए मुझे इसी साल एडमिशन लेना है

तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो आपको 40 में से एक बच्चे में आना है बाप आप डिसाइड करिए क्या आप उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं क्या उस लेवल की तैयारी आपकी हो रही है क्या आपकी पढ़ाई बस हो रही है तो अच्छी बात है हो सकता है आप दस में से एक में आ जाओ हो सकता है ऑलरेडी यहाँ पे नौ बच्चे बच बच्च रहे हैं दस में से एक में आ जाओ। लेकिन क्या चालीस में से एक वाली पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है तो बाद में देर हो फिर बाद में और मुश्किल होने वाला है ये सब चीजों को कवरअप करना तो ये अभी पूछना जरूरी है कि क्या आप सही तरीके से सारे कामों को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसके आगे मैं बढ़ू ये तो रियाल रियालिटी है रियल पिक्चर है लेकिन अब मैं आपको वो देने वाली हूँ जो आपको अपने दिमाग में और अपने कमरे में जहां भी आप बैठते हो उसको बैठा लेना है चिपका लेना है ये है आपके टारगेट स्कोर्स स्कोर्स की मैं बात करी डोमेन्स की लैंग्वेज की और जनरल टेस्ट की अब आपका जो भी कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जनरल बच्चों का होगा आपका तीन डोमेन्स और एक लैंग्वेज तो डोमेन्स का मैंने यहां पे डाला लैंग्वेज का यहाँ पे डाला अगर कोई जनरल टेस्ट के थ्रू ऑप्ट कर रहा है तो जनरल टेस्ट का डाला ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस का आपका मिनिमम स्कोर है ये मिनिमम मतलब बेर मिनिमम इसके ऊपर तो अच्छी आते है इतना तो कम से कम से कम रखना पड़ेगा कि आपको कोई भी कॉलेज दिस इज फॉर आउट ऑफ टेन अगर आपको वन आउट ऑफ टेन में आना है तो आपको कम से कम इतना लाना पड़ेगा दो सौ में से एक सौ पिछहत्तर से ज्यादा स्कोर बनना चाहिए लैंग्वेज में एक सौ अस्सी प्लस होना चाहिए और जनरल टेस्ट में ढाई सौ में से दो सौ पंद्रह से ऊपर बनना चाहिए नाउ यू कैन चेक इट आउट क्या आपका इतना बन रहा है

पहली दूसरी लिस्ट में बहुत ज्यादा हो बट फिर थोड़ा सा ड्रॉप ऑन हो जाता है तो साइंस वाले बच्चे फिर भी यहाँ पे वन मान के चल सकते हैं लेकिन अगर साइंस वालों को स्ट्रीम चेंज करना है तो फिर से वन एट्टी फाइव के पीछे आपका काम नहीं चलने वाला है तो आपका रफली अगर आपको टॉप कॉलेज हिंदू एस आर सी सी मिरांडा एल एस आर या बी एच यू का एकदम टॉप कॉलेज आपको ये सब चाहिए तो आपको ये स्कोर रखना पड़ेगा डोमेन्स में वन एटी फाइव प्लस से नीचे सोचोगे तो काम नहीं चलेगा लैंग्वेज वन नाइनटी प्लस मैं तो बोलूंगी दो सौ से कम लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज में सबसे ज्यादा हंड्रेड परसेंट टाइल आता है तो अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के हैं लैंग्वेज शुड बी और स्ट्रॉग पॉइंट दो सो नंबर लैंग्वेज में बनता है अगर आपको टॉप कॉलेज और टॉप कोर्स चाहिए और फिर अगर कोई जनरल टेस्ट के थ्रू ऑप्ट कर रहा है जैसे बीबीए में या बीबीई में तो जनरल टेस्ट भी टू थर्टी फाइव प्लस मिनिमम रखना अपना क्योंकि जनरल टेस्ट बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं होता है लेकिन हाँ जो ये वाला कैटेगरी ऑफ कोर्सेज है वहां पर आपको जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो दिस इज समिंग विच इन यू नीड टू अचीव और आई थिंक यू आर अ बेटर जज टू डिसाइड कि क्या आप इस तरीके से पढ़ रहे हो क्या ये नंबर आपके आ रहे हैं और अगर नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक ये हाई टाइम है आप अपने डायरेक्शन को चेंज करो आप अपने जो जो भी एक्शन है उनमें चेंजेस लाओ अपने प्लान में चेंजेस लाओ अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंजेस लाओ अपने पढ़ने के तरीके में चेंजेस लाओ अपने रिसोर्सेज में चेंजेस लाओ थ द बेस्ट पीपल जो आपको यहां से उठाकर आपके कॉलेज में पहुंचा सकते हैं सो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहां पर यह यह सबसे पहली बात आपको दस हजार किताबों को नहीं फॉलो करना स्पेसिफिकली डोमेन्स के लिए लाइन बाई लाइन एनसीआर कंप्लीट करनी है लास्ट बाय मार्च में तो बाहर उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो आप शुरू कर रहे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं वो खत्म कर भी चुके होंगे और जिन्होंने थोड़ा टाइम पहले और शुरू भी किया था फेब में भी खत्म हो जाएगी मार्च इज दैट डेडलाइन क्योंकि मार्च के बाद अगर सोचोगे ना कि एनसीईआरटी खत्म करनी है फिर तुम ये नीचे का काम कर ही नहीं पाओगे बस यही कर पाओगे तो चेकलिस्ट लिस्ट आपके पास ही है आपको ये पहला काम तो करना ही करना है हर कॉस्ट पे इसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाले ठीक है।, है दूसरा बात रिवीजन साइकिल पांच कम से कम होनी चाहिए दो मार्च तक हो जानी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं बस ए, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी को पढ़ रहे हो आपने जो पहले के चैप्टर पढ़े हफ्ते में एक दिन बनाओ उसको रिवीजन करने के लिए क्योंकि आप जब तक सिलेबस के एंड में पहुंचोगे पहला चैप्टर आपका गायब हो चुका होगा सो so, दो साइकिल्स कम कम से कम आपकी होनी चाहिए मार्च में और तीन साइकिल होनी चाहिए अप्रैल में दैट इज वेर मिनिमम दैट यू नीड टू डू अगर आप रिविजन नहीं करते हो तो आपका काम नहीं चलेगा जो बच्चे सोच रहे हैं बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे बोर्ड्स के बाद तुम केवल यही कर पाओगे ऊपर का काम या तो नीचे का कर पाओगे दोनों में से एक तो छोड़ना ही पड़ेगा और दोनों में से एक छोड़ोगे तो फिर 100 आपका रिजल्ट आएगा इसकी गारंटी हो हो सकता है बहुत हो, तो आप आप कर पाओगे लेकिन अगर आप थोड़ा भी आ, मतलब I would say कि होता ना एक बच्चा 99 लाने वाला बच्चा है तो एक अलग केस है लेकिन अगर आप नाइनटी से 95 फाइव के बीच में भी हो ना तो भी कहीं ना कहीं बात गड़बड़ा सकती है तो इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ उसके बाद हर एक डोमेन के हजार कम से कम एमसीयू लगाने हैं आप लोगों को जो आपको अगर आप यहां पे रहते हो तो आपको हर टीचर करवाता ही करवाता है और कम से कम 20 मॉक टेस्ट करने अगर आपने सोचा बिना मॉक टेस्ट के पेपर होगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है आप कितना ही पढ़ लो वहां पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस लाने के चार मंत्राज हैं आपको डिसाइड करना है आपने फॉलो करने है या नहीं करने, करने शुरू कर दिए या नहीं कर दिए और अगर अभी तक शुरू नहीं करा तो पता नहीं कब करोगे तो शुरू करना स्टार्ट कर दो बहुत ही नजदीक पेपर आ रहे बच्चों ये तीन महीने कब निकलेंगे पता नहीं चलेगा जिन बच्चों के बोर्ड है स्पेशली उनको तो बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है आप इतनी जल्दबाजी में रहोगे आपको ये समझ नहीं आएगा ये पेपर दू ये पेपर दू ये करूं वो करूं इट्स राइट टाइम स्टार्ट ना क्योंकि अगर आप प्लानिंग के साथ काम करोगे हर एक चीज आप कर पा रहे हो लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के काम करोगे तो कहीं ना कहीं वो रिग्रेट रहेगा और मैं नहीं चाहती इस बार

आई होप सभी लोगों को मेरी बातें क्लियर हो चुकी होंगी और हां जैसा कि मैंने बोला शुरुआत आपको अभी कर देनी चाहिए इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि जितना डिले कर रहे हो ना उतना ये टारगेट मीट करना मुश्किल होगा और डेफिनेटली जब आप टीचर्स के साथ पढ़ते हो तो आपका ये गोल अचीव करना आसान हो जाता है इसलिए चाहे आपको कितना ही कोई बोले कि यार तुम इधर से पढ़ लो ये कर लो वो कर लो आपका टाइम बहुत ज्यादा जगह लगने वाला है इट्स बेटर आप फोकस्ड एनर्जी के साथ एक बैच में पढ़ाई करो चाहे वो डेल्टा बैच है या फिर वो महापैक है दोनों में से किसी को भी आप ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो फॉर साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है सेल भी चल रही है क्योंकि 26 जनवरी है और मंथ एंड भी है तो सेल और जो आपका मंथ एंड सेल है है दोनों का बेनिफिट उठा सकते हो आप ये जो कोड इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इज फैकल्टी कोड ट्वेंटी परसेंट से ट्वेंटी टू परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा होगा जो भी मैक्सिमम अवेलेबल है तो जब भी बैच में एनरोल कर रहे हो किसी भी स्ट्रीम के लिए यूज दिस कोड फॉर गेटिंग डिस्काउंट और मैं एक बार आपको फाइनली बता देती हूँ कि आपको एनरोल करते वक्त कैसे बैच को चेकआउट करना है तो आप बस नॉर्मली वेबसाइट या चेकआउट करो आज या कल देखो कल कभी नहीं आता तो मैं बोलूंगी आज डू इट टूडे आज ही आपके हाथ में है आज ही आप चेंजेस ला सकते हो कल आपको पता ही नहीं क्या हो जाएगा सो इट्स राइट नाउ यू नीड टू टेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर डेफिनेटली होनी चाहिए जितना आसान एक पेपर लगता है उतना होता नहीं आसान है बट कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है राइट right, सो so आपको यहाँ पे ऑल एग्जाम्स में सीयूटी यूजी के सेक्शन में जाना है यहाँ पे आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है उसको ओपन कर लीजिएगा महापैक यहाँ पे व्यू ऑल पे जाइएगा देखिए डेल्टा बैच आपका फ्रेश बैच है आई थिंक ये अगर आपको केवल एक बैच आप सर्च ऑन कर रहे हो दिस इज बेस्ट थिंग अदरवाइज आपके पास साइंस का महापैक है जो की बेस्ट ऑप्शन है इसमें सब कुछ होता है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे डेल्टा बैच है आपने बाय नाउ किया और यहाँ पे जो मैंने कोड आपको बोला आपको उस कोड को अप्लाई कर देना है ठीक है दिस इज वाई फाइव वन थ्री और इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अभी क्योंकि सेल है तो आप देख सकते हो कि डिस्काउंट इंक्रीज है एवरी थिंग इज कवर्ड सो आई थिंक इट्स राइट टाइम यू नीड टू स्टार्ट और अगर बच्चों आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना क्योंकि ऑल uh, दो मैं चाहती हूँ वैसे रहना नहीं चाहिए मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ बट स्टिल इफ एनी बडी ठीक है किसी को भी अगर कोई भी डाउट है सो डू वन थिंग पुट मी या मेल दिस इज माई ई मेल आई डी यू कैन रीच मी आउट ऑन माई ई मेल आई डी कि मैम थोड़ा सा हेल्प कर दो या बता दो मैम कि किस तरीके से आगे बढ़ना है या बैच में कैसे पढ़ना है यू हैव दिस ई मेल आई डी मेरे को आप मेल कर दीजिएगा आई ट्राई टू टॉक टू यू आप अपना फोन नंबर या फिर अपना नाम जो भी आपका डाउट है वो डाल दीजिएगा बट अपार्ट फ्रॉम इट खुलेआम पढ़ाई को शुरू करो ये रहा कोड ये है सेल का आपके पास एक्सेस और इसके अलावा कोई और बेरियर आपकी पढ़ाई में नहीं आना चाहिए बच्चों क्योंकि ये अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट है ठीक है ऑल द बेस्ट